अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द बुक ऑफ क्लास 9 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल बुक। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस प्रैक्टिकल वी हैव टू डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल नंबर 3 है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट मालूम करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर कि वो लिक्विड से गैस में चेंज होना शुरू हो जाए, उस चीज़ को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर दिस पर्पज वी हैव रिक्वायर्ड आयरन स्टैंड, बीकर, स्टीरर, थर्मोमीटर, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर ग्लास एंड कैपिलरी ट्यूब, रबर बैंड, स्पिरिट लैंप। वी हैव ऑल द एपरेटस ऑफ दिस टाइम इन आवर लेबोरेटरी एंड केमिकल्स वी शैल यूज एसीटोन एंड वाटर। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सो चेक द प्रैक्टिकल। स्टूडेंट्स, फॉर दिस पर्पज वी हैव अरेंज ऑल द एपरेटस। वी हैव टू रिक्वायर्ड वन बीकर, सो वी हैव द बीकर इन आवर लेबोरेटरी ऑफ दिस टाइम। वी हैव वन थर्मोमीटर, दिस इज थर्मोमीटर, दिस इज टेस्ट ट्यूब, ओके, एंड दिस इज वायर ग्लास स्टूडेंट, दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड, दिस इज आयरन स्टैंड एंड दिस इज बंसन बर्नर। ओके, सो वी आर हीटिंग द एसीटोन। स्टूडेंट्स, आई फील सम एसीटोन क्वांटिटी इन द टेस्ट ट्यूब। आप टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं स्टूडेंट, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको बॉटम साइड पे एसीटोन नजर आ रहा है। एसीटोन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमने यूज किया है टेस्ट ट्यूब के अंदर, और थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो टेस्ट ट्यूब के साथ बिल्कुल हमने सीध में लगाया है। इससे से ख्याल रखना है कि थर्मोमीटर और टेस्ट ट्यूब बीकर की वाल को टच ना करें और बिल्कुल सेंटर में रहें। ओके, तो स्टूडेंट्स जब ये बॉयल होना शुरू होगा तो यहाँ आपको एसीटोन के अंदर बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। हमने कैपिलरी ट्यूब भी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इंसर्ट किए, कैपिलरी ट्यूब के बराबर में से हमको बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हम नोट कर लेंगे। हम उस रीडिंग पर बॉइलिंग पॉइंट नोट करेंगे जब इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी हम किरण रीडिंग चेक करते हैं थर्मोमीटर में कितनी है। हमारे पास इस वक्त थर्मोमीटर में रीडिंग है 48 डिग्री सेंटीग्रेड, ये देखें यहाँ पे। सो चेक दिस रीडिंग, 48 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे रीडिंग है हमारे पास, और हम एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट मालूम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, एसीटोन को हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला है, जो कि आपको नजर आ रहा है एसीटोन टेस्ट ट्यूब के अंदर बॉटम साइड पे। जब ये बॉइल होना शुरू होगा एसीटोन, तो आप बबल्स निकलते हुए नजर आएंगे टेस्ट ट्यूब के नीचे से हमारे को, तो ये एसीटोन बॉइल होना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके अंदर कांस्टेंट स्ट्रिंग करते रहनी है ग्लास रॉड से, ताकि टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहे, यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहे इसके अंदर। ओके, इसमें स्ट्रिंग कांस्टेंट स्ट्रिंग करते रहेंगे। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर नोट करते हैं इस पर कितना है। टेम्परेचर हमारे पास इस वक्त है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो गया है, 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया है। लुक एट एयर, हमारे पास रेड लाइन जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आ रही है। तो हमारे पास इस वक्त टेम्परेचर 52 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, 55 तक पहुंचने वाला है। ओके, एसीटोन का हम बॉइलिंग पॉइंट मालूम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, एसीटोन हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला है, आपको नजर आ रहा है एसीटोन। जैसे ही ये बॉइल होना शुरू होगा तो हमको इसमें से बबल्स निकलते हुए नजर आ जाएंगे, तो हम वो टेम्परेचर नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। ओके, इसी से ख्याल रखना है कि थर्मोमीटर और टेस्ट ट्यूब बीकर की दीवारों से टच ना हो। ओके, और इसके अंदर स्ट्रिंग करते रहनी है हमारे को, इस तरह से इसको स्ट्रिंग करते रहेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ऑफ दिस टाइम आवर टेम्परेचर इज 55 डिग्री सेंटीग्रेड, लुक एट हेयर, 55 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वी आर फाइंडिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कोई बबल्स अभी निकलते हुए नजर नहीं आ रहे हमको टेस्ट ट्यूब के अंदर। हमारे पास टेम्परेचर हो गया है 55 से ज़्यादा हो गया है, लुक एट हेयर, ये आपको 55, ये 56, 57 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त टेम्परेचर हो गया है एसीटोन का। स्टूडेंट्स, हमारा टेम्परेचर इस वक्त 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, देखें ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया है एंड वी आर फाइंडिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से बबल्स निकलते हुए नजर आना शुरू हो रहे हैं, देखें ऐसा सा, ये टेस्ट ट्यूब की बॉटम साइड पे बबल्स निकलना शुरू हो गए हैं। आहिस्ता ऐसा बबल्स निकल रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, देखें गौर से, देखें बबल्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं हमको। ओके, जब इसकी स्पीड तेज हो जाएगी बबल्स निकलने की, तो हम वो टेम्परेचर नोट कर लेंगे इसका एसीटोन का। ऑफ दिस टाइम अवर टेम्परेचर इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड, नाउ दिस इज राइजिंग फ्रॉम 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, अवर करंट रीडिंग इज 63 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया इस वक्त, देखें रेड लाइन 60 से ऊपर हो गई है और 63-64 की तरफ टेम्परेचर जा रहा है इस वक्त हमारा। और यहाँ जो बबल्स भी, वी आर सीइंग द बबल्स,
स्टूडेंट देखें आपको बबल्स भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, देखें ये बबल्स आपको टेस्ट ट्यूब में नजर आ रहे हैं ऊपर निकलते हुए, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अनकरीब पहुंचने वाली है। बॉइलिंग पॉइंट की रीडिंग, इसका बॉइलिंग पॉइंट अभी बस शुरू होने वाला है। बॉइल एसीटोन का हम बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लेंगे स्टूडेंट। देखें बबल्स निकलना शुरू हो चुके हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, आपको बबल्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए आपको बबल्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स टेस्ट ट्यूब के अंदर। कुछ देर वेट करेंगे फिर इसका हम ये टेम्परेचर नोट कर लेंगे, वही हमारा यही हमारा एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस वक्त हमारे पास रीडिंग 65 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग हो गई है, 65 डिग्री सेंटीग्रेड रीडिंग हो गई है। और इसमें सो स्टूडेंट्स इस वक्त एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 66 डिग्री सेंटीग्रेड हमने नोट कर लिया है थर्मामीटर में। 66 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसीटोन बॉइल होना शुरू हो गया है और बबल्स ने स्पीड पकड़ ली है। यहाँ देखें बबल्स तेजी से निकलना शुरू हो गए हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो इस रीडिंग को हम नोट कर रहे हैं। यह हमारा टेम्परेचर T1 होगा और इसको हम अपनी बुक में लिख लेते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करके फिर वो टेम्परेचर नोट करेंगे कि जिस पे बबल्स निकलना बंद हो जाएंगे, वो रीडिंग हमारी T2 होगी। ओके, तो अभी हमने T1 रीडिंग नोट कर रहे हैं कि जिस पे एसीटोन बॉयल होना शुरू हो गया है, बबल्स निकलना शुरू हो गए हैं ये टेस्ट ट्यूब के अंदर। देखें तो इस वक्त हमारे पास रीडिंग आ गई है 68 डिग्री सेंटीग्रेड रीडिंग आ गई है हमारे पास 68 डिग्री सेंटीग्रेड रीडिंग आ गई है हमारे पास स्टूडेंट्स। एसीटोन की जो रीडिंग है वो 68 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई है। ओके, ये देखें। ओके, अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, यहाँ को तेजी से बबल्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये टेम्परेचर T1 मैंने नोट कर लिया है, 68 डिग्री सेंटीग्रेड आया है एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट। अब हम वो टेम्परेचर नोट करेंगे, दूसरा टेम्परेचर नोट करेंगे जो कि T2 रीडिंग होगी। जब ये बबल्स निकलना स्टॉप हो जाएंगे, बबल्स रुक जाएंगे, तो हम वो रीडिंग नोट कर लेंगे, वो हमारी रीडिंग T2 होगी। सही है, और वो बॉइलिंग पॉइंट भी, ये भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट आया 68 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ नोट कर लें टेम्परेचर थर्मामीटर के अंदर, हमारे पास 68 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट आया है एसीटोन का। और ये बॉइल्स आपको बबल्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। जैसे ही बबल्स निकलना रुक जाएंगे, यानी कि बबल्स बंद हो जाएंगे निकलना, तो हम वो रीडिंग दोबारा नोट करेंगे, वो हमारी रीडिंग T2 होगी और वो टेम्परेचर भी हम नोट कर लेंगे। फिर दोनों टेम्परेचर दोनों रीडिंग को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे और वही हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि बबल्स आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो रहे हैं और हम ये टेम्परेचर नोट कर लेंगे, हमारी रीडिंग T2 होगी, इस पर पूरे बबल्स कंप्लीटली स्टॉप हो जाएंगे, हम वो रीडिंग नोट कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे बबल्स निकलना बंद हो गए, बबल्स आना रुक गए हैं। अब हम ये रीडिंग नोट कर रहे हैं, हमारी रीडिंग T2 होगी, टेम्परेचर T2 होगा। ये रीडिंग हमारे पास इस वक्त थर्मामीटर में कितनी आ रही है देखें, यहाँ पे 66 आ रही है। 66 डिग्री सेंटीग्रेड पे बबल्स निकलना बंद हो गए हैं। ओके, ये हमारी रीडिंग T2 है, इसको हम बुक पे लिखेंगे अब। सो स्टूडेंट यहाँ पर चेक करेंगे बुक का ऑब्जर्वेशन कॉलम है। सबसे पहले तो हमने ये मेथड यहाँ पे लिख देना है, एपरेटस लिखा, एपरेटस के बाद जो केमिकल यूज हुआ एसीटोन, उसके बाद ये मेथड लिख दे रहे हैं आपको जो कुछ हमने किया है। मेथड के बाद स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। तो फर्स्ट रीडिंग आई हमारी कि जिस पर हमारे टेम्परेचर बबल्स आना शुरू हुए थे, तो 68 डिग्री सेंटीग्रेड पे आना शुरू हुए थे, हमने वो रीडिंग लिख दी। फिर हमने दोबारा फ्लेम को बंद किया, फिर दोबारा नए सैंपल पे हमने ट्राई किया तो 67 आई, फिर दोबारा फ्लेम को बंद किया, दोबारा ऑन किया तो रीडिंग आई 66। तो इन तीनों रीडिंग को हमने प्लस करके यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 67 डिग्री सेंटीग्रेड आ गई टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर टेम्परेचर एट पे बबल्स कम आउट, 68 डिग्री सेंटीग्रेड पे बबल्स निकलना शुरू हुए थे, तो हमने ये रीडिंग लिखी यहाँ पे। ओके, उसके बाद 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे बबल्स निकलना बंद हो गए, रुक गए, तो वो रीडिंग नोट करी। अब इन दोनों को हमने T1 T2 को प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा 66.5 ये इसका एवरेज बॉइलिंग पॉइंट आ गया एसीटोन का। सो स्टूडेंट्स इसकी डायग्राम लाजमी बनाइएगा, डायग्राम आप ये देखें इसकी डायग्राम है, सो इसकी डायग्राम भी बनाइएगा। ओके, so kindly don't forget to hit the bell icon, like and subscribe my video and write your comments in the comment box. Thank you very much students.